नमस्कार। देश फिलहाल इलेक्शन से पसार हो ही रहा है और इस पे हम गुजरात पे बात करनी है, क्योंकि गुजरात की अगर बात करें तो गुजरात में इलेक्शन का जो परसेंटेज रहा है वो कम रहा है। इसके पीछे के कारण क्या है? गुजरात से जो बड़े बड़े दिग्गज नेता है वो लड़ रहे हैं इस बार। पिछली बार 26 से 26 सीट आई थी, उससे पहले भी 26 से 26 सीट आई थी, वो जो बीजेपी निकाल गई थी। इस बार क्या हैट्रिक बीजेपी लगाने वाली है या फिर कांग्रेस कड़ी टक्कर देने वाली है? पूरे विषय पर हम डिटेल में बात करेंगे और बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं खालिद अख्तर सर, एडिटर है सी वोटर के। सर, वाइब्स ऑफ इंडिया में आपका खूब खूब स्वागत है। सर, सबसे पहला तो क्वेश्चन ये रहेगा, क्योंकि सर इस बार 4% जो मतलब वोटिंग है वो कम हुई है, तो उसके पीछे के कारण क्या हो सकते हैं फिलहाल के, अगर हम देखने जाए तो गुजरात की पर्टिकुलर बात करें तो? तो देखिए, एक तो हम फिगर्स पे बात कर लेते हैं। पहले तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने मई 7 को ये इलेक्शन हुआ, ट्यूसडे को। वेंसडे को जो डाटा दिया उसमें अप्रोक्सीमेट 60% वोटिंग गुजरात में हुई है, जो 2019 के मुकाबले 4% का डिप है। देखिए, जब हम बात करते हैं वोटर टर्नआउट की, उसमें इंक्रीज की या डिक्रीज, तो अभी हम जैसे गुजरात की बात करें तो वहाँ पे कोई एक रीजन है, कई सारे रीजन्स हो सकते हैं वहाँ पे डिप होने। अमूमन देखिए, हम लोग ये देखते हैं कि खास तौर से उन जगहों में जहाँ पे कंटेस्ट जो है लॉप साइडेड होता है या वन साइडेड होता है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा एंथुजियाज्म नहीं होता है वोटर्स में, तो वहाँ पे अमूमन जो है वोटर वोटिंग परसेंटेज में डिप होता है। और गुजरात एक उन जगहों में से है इलेक्शंस में, जहाँ पे इलेक्शंस हो रहे हैं जहाँ पे ये कंटेस्ट टॉप साइड, तो वोटर टर्नआउट होने का वजह ये भी हो सकती है कि जो विनिंग पार्टी है उसका जो वोटर ब्लॉक है उसको ये लगता है कि यार उसमें थोड़ा कॉम्प्लेसेंसी का फैक्टर होता है कि हम जीत तो रही है, क्या करें, ठीक है और लोग जाए। जो विनिंग जो लूजिंग पार्टी होती है उसके वोटर ब्लॉक में यार कुछ होने जाने को है नहीं, तो दे आर रिलक्टेंट टू कम आउट एंड वोट। और तीसरा फैक्टर इस बार जो बहुत और इम्पोर्टेंट है दोनों के साथ साथ, वो है शदीद गर्मी, द सीवियर हीट दैट इज देयर इन द नॉर्थर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, इन फैक्ट द होल ऑफ द कंट्री स्पेशली, के पूरे मुल्क में सब गर्मी का बहुत है। खासतौर से गुजरात में रहा हूँ काफी वक्त तक, वहाँ पे बहुत खतरनाक गर्मी होती है, तो ये भी एक फैक्टर है विच इज कीपिंग द वोटर्स अवे फ्रॉम कमिंग टू द पोलिंग बूथ। तो अगर आप कहेंगे तो इनमें से कौन सा फैक्टर, तो मैं ये कहूंगा कि इनमें से तीनों ही फैक्टर हैं जो रिस्पॉन्सिबल है इस बार लो वोटर टर्नआउट में गुजरात में। अच्छा सर, मुझे ये बात तो हमने कर ली, तो सर ये भी एक क्वेश्चन है कि अगर वोटर टर्नआउट कम रहा है तो सर इससे इलेक्शन पे क्या असर हो सकता है? देखिए, कोई थंब रूल ये जानने, वोटर टर्नआउट अगर बढ़ा है तो क्या उसका नतीजों पे फर्क हो सकता है, या वोटर टर्नआउट घटा है तो क्या हो सकता है। कई बार हम ये जी देखते हैं कि वोटर टर्नआउट घटने पे भी सरकार बदली है, वोटर टर्नआउट बढ़ने पे भी सरकार बदली है। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, आप यूपी का एग्जाम्पल लीजिए कि 2002 के मुकाबले 2007 में वोटर टर्नआउट कम हुआ था। अगर आप फैक्ट्स फिगर्स में जाएंगे तो 2002 में यूपी में 53.8% वोटर टर्नआउट था, जबकि ये 2007 में 46% था। लेकिन गवर्नमेंट गॉट चेंज, नेक्स्ट ईयर नेक्स्ट इलेक्शंस में 2012 में परसेंटेज बढ़ता है, लेकिन फिर भी सरकार बदली। तो ये कोई थंब रूल नहीं है कि वोटर टर्नआउट जो है कम रहा है तो इज इट प्रो इनकम्बेंसी और इज इट एंटी इनकम्बेंसी। तो इससे आप कुछ इलेक्टोरल आउटकम पे वोटर टर्नआउट की वजह से आप डिसाइड कर सकते हैं। देखिए, वोटर टर्नआउट का कम हुआ है तो उसमें किसका कम हुआ, ये दैट इज अ वेरी माइक्रो लेवल स्टडी का एस्पेक्ट है कि वोटर टर्नआउट किसका वोट ब्लॉक कम निकला, किन जगहों पे कम निकला। तो यू कैन नॉट मेक अ ब्लैंकेट स्टेटमेंट कि वोटर टर्नआउट कम हुआ इसका मतलब ये बीजेपी को ही फायदा दे रहा है या कांग्रेस को फायदा दे रहा है। तो जो हम लोग देखते हैं, कोई ऐसा थंब रूल नहीं है कि इसके बेसिस पे आप कुछ इलेक्टोरल आउटकम पे कोई प्रेडिक्शन कर सकते। और जैसा मैंने भी एक एग्जांपल कोट किया, तो दोनों ही चीजें हुई हैं, वोट के इनकम्बेंसी वोट हुआ है जब वोटर टर्नआउट कम था, और एंटी इनकम्बेंसी वोट हुआ जब वोटर टर्नआउट बढ़ा हुआ भी था। अच्छा सर, आप तो पूरे देश पे नजर गड़ाए बैठे हैं, और मुझे गुजरात का पूछना है कि कितनी सीट ऐसी है जिस पे सर आपको कड़ी टक्कर लग सकती है गुजरात के रिगार्डिंग, अगर हम देखने जाए तो? देखिए, जो हमारा ओपिनियन पोल आया था
समीर जी, तो हमारा 13, 14, 15 तीन दिन तक लगातार ओपिनियन पोल हमारा एबीपी पे चला था, और सिर्फ इसी ओपिनियन पोल में नहीं, और मैं बता दूं कि हम लोग जो सालों भर जो है हम लोग ट्रैकर हमारा डाटा चलता है कंट्री वाइड इन एवरी, तो हमने उसको दिखाया था कि बीजेपी वहां पे जीत रही है, और अभी तक जो है खास चेंज नहीं रहा है। हाँ, ये हम कह सकते हैं कि वहां पे कुछ सीट्स हैं जहाँ पे कंटेस्ट इंटरेस्टिंग हुआ है, बट व्हाट विल द आउटकम वो तो खैर रिजल्ट के दिन ही आएगा। जैसे आई कैन नेम आल्सो सम सीट्स, बानसकांठा है, साबरकांठा है, पाटन है, भरूच है, यहाँ पे कंटेस्ट इंटरेस्टिंग हुआ है। और मैं एक चीज आपको बता दूं कि जब कंटेस्ट कहीं पे इंटरेस्टिंग होता है तो वहां पे वोटिंग परसेंटेज इंक्रीज होता है। और एक एग्जांपल दूं कि इस हालांकि पूरे गुजरात में वोटिंग परसेंटेज ओवरऑल गुजरात में कम हुआ है तकरीबन 4%, उसी में से बनासकांठा ऐसी जगह है विच हैज बक द ट्रेंड, जो है 2019 के मुकाबले ज्यादा हुआ है, क्योंकि वहां पे कंटेस्ट थोड़ा सा दोनों पार्टीज की तरफ से इंटरेस्टिंग हुआ है। जहां जहां कंटेस्ट लॉप साइडेड या वन साइडेड होता है वहां पे हमें देखने को मिलता है कि वोटर टर्नआउट गिरता है। तो मैंने सवाल का जवाब भी दे दिया और दूसरी भी चीज बता दी कि बहुत ज्यादा हमें कोई ट्रेंड चेंज दिख नहीं रहा है, लेकिन कुछ सीट्स है जहाँ पे कंटेस्ट इंटरेस्टिंग हुआ है, उनका इलेक्टोरल आउटकम तो हमें जून 4 को ही पता चलेगा। जी अच्छा सर, अगर हम मुद्दों पे बात करें तो पहले ऐसा आज से 2 महीने पहले लग रहा था कि 26 से 26 सीट बीजेपी निकाल लेगी तीसरी बार भी, पर इसके बाद कुछ ऐसी घटनाएं घटी, जैसे बात करें हम क्षत्रिय विवाद की, क्षत्रिय कंट्रोवर्सी की सर, उससे इलेक्शन में मतलब काउंटिंग वगैरह जो मतलब परसेंटेज वगैरह है वो कम हुए है। सर हम क्या कह सकते हैं कि जो इलेक्शन पे जो जो भी कुछ अभी फिलहाल हुआ है तो क्षत्रिय आंदोलन का इसमें सर क्या मतलब दिख रहा है अभी फिलहाल की बात अगर हम करें तो? मैं समझ गया आपकी बात, आप ये जानना चाह रहे हैं कि जो जो क्षत्रिय कम्युनिटी का जो प्रोटेस्ट है या एंगर है उसका इलेक्टोरल आउटकम पे क्या असर होगा, वो जी नुकसान पहुंचाएगा। देखिए मैं एक चीज आपको बता दूं कि जो वहां पे दो स्टिल इज अ बाइपोलर स्टेट, हालांकि अभी इलेक्शंस में आम आदमी पार्टी हैज आल्सो एंटर्ड, लेकिन वापस लोकसभा में क्या हुआ, आम आदमी पार्टी एंड कांग्रेस हैव गॉट इनटू एन अलायंस, तो फिर से ये लोकसभा का इलेक्शन बाइपोलर कंटेस्ट है, बीजेपी एंड द अनदर पोल इज द इंडिया अलायंस लेड बाय द कांग्रेस वी कैन से इन गुजरात एटलीस्ट, ठीक है। तो इन दोनों जो बाइपोलर कंटेस्ट में दोनों के अपने अपने कोर वोटर्स हैं, और क्षत्रिय कम्युनिटी या राजपूत कम्युनिटी बीजेपी का कभी कोर वोटर ग्रुप रहा नहीं। अगर आप पहले भी देखेंगे जब माधव सिंह सोलंकी के टाइम में जो विनिंग फॉर्मूला था उसमें क्षत्रिय हरिजन आदिवासी एंड मुस्लिम है, ठीक है, व्हाइल अदर वोट बैंक पटेल बनियाज ब्राह्मण अदर ओबीसी देन व्हिच ग्रेविटेटेड टुवर्ड्स बीजेपी दिस कॉज द कांग्रेस गवर्नमेंट विद दैट फॉर्मूला। तो जो राजपूत जो है क्षत्रिय गुजरात में बीजेपी का कभी कोर वोटर रहा नहीं। दूसरी बात यह है कि राजपूत की वहां पे जो राजपूत की कोऑर्डिनेशन कमेटी है वो क्लेम ये करती है कि उसका वहां पे 10% वोट शेयर है, जबकि कई सारे और सोशियोलॉजिस्ट जो हैं और जो फैक्टर्स है वो बोलते हैं 6-7% या मैक्सिमम 8% तक है, और बहुत ज्यादा वो इलेक्टोरल आउटकम अकेले इधर से उधर जाकर के वो कर नहीं सकते, तो वो प्रोटेस्ट है। तो इन दोनों बातों में मेरा वो निकाल सकते हैं कंक्लूजन कि प्रोटेस्ट का बहुत ज्यादा फर्क बीजेपी के इलेक्टोरल आउटकम पे होने वाला नहीं है। अच्छा सर मुझे ये भी जानना है क्योंकि इंडिया ब्लॉक के अंदर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों भी फिलहाल मिलके गुजरात में बीजेपी के सामने फाइट कर रही है, तो सर इससे बीजेपी को कितना नुकसान हो सकता है, सर डैमेज कितना हो सकता है अभी? देखिए दोनों साथ आए हैं, 2019 का रिजल्ट उठा के देखेंगे सर, ठीक है। अभी मैंने कहा कि 3-4 सीट कंटेस्ट इंटरेस्टिंग होती है, लेकिन आपको ये भी देखना होगा कि इन विनिंग मार्जिन बीजेपी का क्या है। बीजेपी का गुजरात में जो विनिंग मार्जिन है दैट हैज बिटवीन 1.7 लाख टू ऑलमोस्ट 6-7 लाख, तो नवसारी से ज्यादा करीब 7-8 लाख था, जूनागढ़
पौने 2 लाख था, और जिन सीट पे इंटरेस्टिंग हुआ पे 2.5 से 4 लाख के आसपास का मार्जिन, ठीक है। तो अगर आप मिला भी देते हैं तो वो मार्जिन कवर अप करना ना वो बहुत मुश्किल है, इवन इफ आम आदमी पार्टी सब कम टू उनके आने से सीट जैसे भरूच की है, विकास सीट और है, वहां पे कंटेस्ट इंटरेस्टिंग हुआ है, लेकिन क्या वो उतना इंटरेस्टिंग हुआ है रोल आउटकम जो है वो चेंज करेगा वो देख, लेकिन मार्जिन को देखते वो मार्जिन से बड़े तो उसे और अब करना सीम्स वेरी डिफिकल्ट। उनसे आप जाएंगे तो जल्दी जाएगा उसे नाराजगी दिखा, लेकिन बट व्हेन वी लुक एट द डाटा देन वी सी दैट जो मार्जिन हैं वो इतने बड़े हैं तो उन्हें कवर अप करना बहुत मुश्किल होगा। अच्छा ओके सर, अभी मुझे उस सीट के बारे में बात करनी है जिसमें इलेक्शन सबसे ज्यादा कम हुआ है गुजरात में, और वो है अमरेली लोकसभा। भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट थे उनका नाम भरत सुतरिया था, जो पैराशूट उम्मीदवार थे, और सामने जो लड़ रही थी जो विरजी ठुमर एमपी रह चुके हैं उनकी बेटी लड़ जी। तो सर इस सीट पे मतलब कम क्यों हो रहा हुआ होगा, उसके पीछे के रीजन क्या हो सकते हैं सर? डिसिल्यूशनमेंट मतलब बीजेपी, क्योंकि बीजेपी ने वहां से 3 सिटिंग एमपी को ड्रॉप करके दूसरा कैंडिडेट ले लिया, एंड ही हैड सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस एंड ही स्पोक ओपनली अगेंस्ट द कैंडिडेट आल्सो बीजेपी को इसको किया। वहां पे मल्टीपल फैक्टर्स, उसमें एक एडिशनल फैक्टर जो मैंने दूसरे की ना उसके साथ साथ ये भी है कि भाई जो बीजेपी का वोटर है वो अलॉन्ग विद बीइंग कॉम्प्लेसेंट उसको डिसिल्यूशन भी था जो द कैंडिडेट विच वॉज पुट अप फॉर द फाइट, तो ये एक रीजन हो सकता है अमरेली। ओके सर, इलेक्शन की बात करें, पहले जो बीजेपी थी वो ऐसा दावा कर रही थी कि 26 सीट हम निकाल जाएंगे और सब सीट 5 लाख की मार्जिन से जीतेंगे, लीड से जीतेंगे, पर धीरे धीरे इलेक्शन बढ़ता गया आगे, क्षत्रिय विवाद ज्यादा आगे बढ़ते गया, उस तरीके से वो जो दोनों बातें थी वो भारतीय जनता पार्टी सर भूलती गई। अभी सर जो सिनेरियो है उससे क्या लग रहा है, मतलब 5 लाख वाली लीड वाली बात है वो अभी प्रैक्टिकल लग रही है? दिस डजंट सीम टू बी अ पॉसिबिलिटी, सारी सीटें ठीक है अभी, जबकि फैक्टर्स आर नॉट गोइंग कंप्लीटली इन देयर फेवर जिस तरह से वो सोच रहे थे, लेकिन से सारी सीटें तो नहीं जीतेंगे, 26 की 26 सीटें जीतेंगे या नहीं ये देखने वाली बात है। हमारा ओपिनियन पोल का डाटा तो ये कह रहा था कि भाई ये 26 की 26 सीट जीतेंगे, उसके बाद कुछ सीट पे इंटरेस्टिंग हुआ है, लेकिन जैसा मैंने कहा वहाँ पे जो विक्ट्री मार्जिन वो इतना बड़ा रहा है कि उसको कवर अप जो है इंडिया अलायंस कांग्रेस और आम आदमी पार्टी वाले उसको कर पाएंगे, देखने की बात होगी। लेकिन हाँ 26 की 26 सीटें 5 लाख के वोटर से तो 5 लाख के मार्जिन से जीतती हुई तो बीजेपी नहीं दिख रही है जी। सर अगर हम बात करें पिछले 2019 के इलेक्शंस की, तो सबसे ज्यादा लीड आई थी नवसारी से, जहां सीआर पाटिल सबसे ज्यादा, देश में भी अगर बात करें तो सीआर पाटिल थे वो सबसे ज्यादा लीड से जीते थे। उसके बाद बड़ोदरा था, बड़ौदा में भी अच्छी लीड आई थी, फिर गांधीनगर था, फिर अहमदाबाद लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी भी थी। तो सर इस बार क्या लग रहा है, क्योंकि गांधीनगर की बात करें जहां से बीजेपी के बड़े नेता और हमारे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कंटेस्ट कर रहे हैं, और सीआर पाटिल नवसारी से कंटेस्ट कर रहे, तो सर आपको क्या लगता है मतलब कौन सी सीट है उस पे ज्यादा लीड आ सकती है इस बार? ओके पिछली बार 20 सीट्स में से थी। हेलो समीर, यस सर, ऑडिबल सर जी। ठीक है, रहेगा तो सबसे बिगेस्ट लीड रहेगी तो गांधीनगर भी हो सकती है बिकॉज ही इज कंटेस्टिंग गांधीनगर दिस टाइम, तो और नवसारी में से लोग सीट्स में से ही किसी एक सीट पे होगा। लास्ट टाइम गांधीनगर पर 3rd हाईएस्ट था, नवसारी वाज हाईएस्ट, दोनों ही जगह बड़े नेता हैं, बीजेपी स्टेट प्रेसिडेंट है सीआर पाटिल साहब और होम मिनिस्टर हैं, तो ये देखना होगा। लेकिन ये कह सकते हैं कि इन्हीं सीट्स में से जो हाईएस्ट मार्जिन रहेगा गुजरात के लोकसभा इलेक्शंस में। ओके सर, इस बार के अगर इलेक्शंस की हम बात करें 2014 में अगर मुझे जाना है, क्योंकि सबको ऐसा था कि हमें चेंज चाहिए डेमोक्रेसी में, फिर बीजेपी की सरकार आई, नरेंद्र मोदी का चेहरा आया,
उसके बाद 2019 आया, 2019 में जो वायदे वगैरह जो किए थे उस पे सर बात हुई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आगे ये चांस देश के लोगों ने दिया, अब 2024 है। सर क्या आपको ऐसा लगता है कि जो मोदी वेव वाला फैक्टर है वो फिलहाल देश में थोड़ा मतलब उन दोनों के कंपैरिजन में कम नजर आ रहा है, सर आपको क्या लगता है? मतलब कि इफ गुजरात स्टिल द बिगेस्ट फैक्टर इज मोदी फैक्टर, इन अदर स्टेट्स आल्सो द बिगेस्ट फैक्टर इज द मोदी फैक्टर। ठीक है, तो अगर आप गुजरात की बात करें, गुजरात में द मोमेंट द मोदी नेशनल पॉलिटिकल लैंडस्केप टू द, ठीक है, तो गुजरात होल हार्टेडली स्टार्टिंग बीजेपी, क्योंकि 2009 के इलेक्शन की अगर हम बात करें उस वक्त भी जो है श्री मोदी साहब वहां के मुख्यमंत्री थे, लेकिन 15 सीटें और 11 सीटें कांग्रेस, लेकिन जैसे ही जो है वो दिल्ली की तरफ आते हैं तो गुजरात स्टार्टेड गिविंग हिम द फुल सीट। ठीक है, 26 और गुजरात 2022 के असेंबली इलेक्शन में भी 2022 के असेंबली वहां पे मोदी साहब के ही लड़ाई का मोदी साहब वॉज द मेन फैक्टर की फैक्टर द मोस्ट इम्पोर्टेंट और हाईएस्ट एवर जो है गुजरात में उनको जीती वहां अभी भी गुजरात में मोदी साहब कंटिन्यूस टू बी द मेन फैक्टर द मेजर फैक्टर द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर बीजेपी एंड द इलेक्टोरल पॉलिटिक्स उसमें कोई कमी आई नहीं है। दूसरी जगहों की अगर आप बात करेंगे तो थर्ड अभी जो है हमारे ओपिनियन पोल्स का जो ट्रैकर डाटा हमें दिखता था वो लोकसभा मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर, जब इलेक्टोरल पॉलिटिक्स की बात आती है तो और लोकसभा के इलेक्टोरल पॉलिटिक्स की बात आती है तो मेन फैक्टर जो है वो मोदी साहब ही रहते हैं। हमने ये देखा अपने जैसे हम कर्नाटका के कवर कर रहे थे तो वहाँ पे हम लोग काम कर रहे थे यहाँ पे सरकार जो है करने का, लेकिन जब हम उसी रेस्पॉन्डेंट से असेंबली इलेक्शन के बारे में बात करते थे और जब और उन्हीं से जब हम लोकसभा के बारे में बात करते थे तो 8-10% का डिबिट बीजेपी को मिलता था and that used to be because of the PM तो वो clear indication था कि जब लोकसभा की बात करते हैं तो मोदी मोदी is the most important। ओके, अब सर थोड़ा सी वोटर के बारे में भी बात करनी है क्योंकि जब भी आपका डेटा आता है तो मतलब करीब करीब आता है, जो भी रिजल्ट्स आते हैं उसके करीब आता है, ओपिनियन पोल एग्जिट पोल जो भी हो, तो सर ये मतलब सी वोटर काम कैसे करता है, सैंपल कैसे लेता है, क्वेश्चंस वगैरह क्या करता है, मतलब सर डिटेल में अगर आप बता पाए लोगों को जिससे समझ सके कि इस तरह से सी वोटर काम करता है, क्योंकि सर बारीक मतलब रिजल्ट से बारीक सी वोटर जाता है, इसलिए देखिए हम लोग है कि जैसे और एजेंसीज ओपिनियन ओपिनियन पोल्स वगैरह में होते हैं दे डू सर्वेज एट द टाइम ऑफ इलेक्शंस, हमारा ऐसा नहीं है, हमारा जो है थ्रूआउट द कंट्री हमारा एक जो है वो लगातार चलता रहता है जिसमें हम वहाँ की इनकम्बेंट गवर्नमेंट के बारे में, वहाँ के इनकम्बेंट सीएम के बारे में, वहाँ की अपोजिशन पार्टी के बारे में, वहाँ के असेंबली लेवल पे वहाँ पे सिटी विधायक सिटी एमपी के बारे में हम लोगों से रेगुलर बेसिस पे हम लोग ओपिनियन, और जब जब किसी असेंबली में इलेक्शन आते हैं तो उससे 6-7 महीने पहले पे जो हमारा वो सैंपल सर्विस स्टार्ट इंक्रीजिंग दैट सैंपल साइज, तो इस तरीके से जो थ्रू आउट द ईयर जो हमारी जो एक नब्ज हम उनकी पकड़ने की कोशिश करते रहते हैं तो उसमें फिर इलेक्शन के आसपास हम आकर के देखते हैं क्या कुछ तब्दीली है कि, तो हमारा जो ये जो फीडबैक लेने का जो है फ्रॉम द ग्राउंड वो थ्रू आउट द ईयर चलता है, अक्रॉस द कंट्री चलता है, तो दिस इज हाउ वी डू और मेनली हमारा कभी फील्ड में भी चलता है, अदरवाइज जो हमारा कॉलिंग से होता है हम लोग कैसे बोलते हैं कंप्यूटराइज वो हम थ्रू आउट द ईयर थ्रू आउट द कंट्री ये हमारा इंटरव्यूज वगैरह चलते हैं। ओके सर एक लास्ट क्वेश्चन पूछना था, अभी अरविंद केजरीवाल है वो जेल के बाहर आ चुके हैं तो इससे मतलब आम आदमी पार्टी को कितना फायदा हो सकता है अगर वो मतलब रैलीज वगैरह करे या फिर वो सब इसमें से? देखिए इसमें कोई डाउट नहीं है अरविंद केजरीवाल इज अ बिग लीडर
इज द बिगेस्ट लीडर आम आदमी, द मास लीडर फ्रॉम द आम आदमी पार्टी, उनका अच्छा कनेक्ट है जहाँ पे उनकी पार्टी। तो अभी खासतौर से जैसे हम देखें आम आदमी पार्टी का दिल्ली में, तो दिल्ली में उनके आने का क्या असर होगा, तो हम जो देख रहे हैं जिनपे दो सीट्स हैं जिन पे फाइट लग रही है, और अभी तो वो आए हैं दो तीन दिन आने के बाद से, उनके आने के बाद से इन सीट्स पे या और दूसरी सीट्स पे का जो है ग्राफ कैसा होता है। लेकिन उनके आने से उनके वोटर्स, उनका कैडर्स, उनके पार्टी वर्कर्स वंतूस तो होते ही हैं, वो और शिद्दत से काम करेंगे उनके आने से। इट विल डेफिनेटली मेक अ डिफरेंस, बट हाउ मच डिफरेंस रिमेंस टू बी सीन। थैंक यू सो मच सर, आप जुड़े और आपने पूरी बात रखी आंकड़ों के साथ कि गुजरात में इस बार वोटिंग क्यों कम हुई है, कौन सी जगह ऐसी है जहां पे इलेक्शन एकदम टाइट नजर आ रहा है, और बाकी सर देश के बारे में भी बात की, उसके लिए सर आपका खूब खूब धन्यवाद। थैंक यू सो